अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं मस्जिद जिन के पास और मस्जिद जिन का आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे कि इसका नाम मस्जिद जिन क्यों है। और मेरे साथ जो है आज सफदर भाई भी आए हुए हैं और हम दोनों यहाँ नमाज़ पढ़ी है असर की। और अभी जो है हम आपको पूरी मस्जिद का अंदर से भी सीन दिखाएंगे और बाहर से भी दिखाएंगे और जो है फिर हम आपको बताएंगे कि मस्जिद जिन का वाकया क्या है और इसकी तारीख में क्या हिस्ट्री है, उसे मस्जिद जिन क्यों कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं सामने इस रोड का सीधा ही आपको मक्का क्लॉक टावर जो है वो नज़र आ रहा है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये मस्जिद जिन है और ये इसका एक मीनार आपको नज़र आ रहा है। ये छोटी सी मस्जिद है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही है। और इस मस्जिद के साथ ही जो है ये मेन रोड है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हूँ हरम के करीब एक मस्जिद के पास। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन और ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है मस्जिद जिन। पैक की मीनार है इसका और ये रोड जो आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से थोड़ा ही आगे आप जाएंगे तो आगे मस्जिदुल हराम है जहाँ पर हम उमरा करने के लिए आते हैं। तो थोड़ा सा ही आगे आप अगर आएंगे इस रोड पे गज़ा की तरफ तो ये मस्जिद जिन यहाँ पर वाक़ है। मस्जिद जिन का मैं आपको वाक़ सुनाऊंगा कि इसका नाम मस्जिद जिन क्यों है और आपको इसके मस्जिद के अंदर के भी मनाजिर दिखाऊंगा और बाहर के भी। तो चलें, चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद जिन का। ये आप देख रहे हैं मस्जिद जिन के अंदरूनी मनाजिर और यही वो मस्जिद है जहाँ पर कुरान मजीद की सूरत अल जिन भी नाजिल हुई थी। और इसी मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्होंने बैत की थी और वो मुसलमान हुए थे। ये देख रहे हैं आप इस मस्जिद के अंदरूनी मनाजिर। ये मस्जिद का मीनार है और यहाँ से भी एक रास्ता है अंदर जाने के लिए और साथ में ये पानी की सबील है, यहाँ पीने का पानी आपको मिलेगा। यह आबे जमजम तो नहीं है लेकिन पीने का पानी यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है जहाँ से आप पानी पी सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप ये गेट है ख़वातीन के लिए। यहाँ से पीछे साइड से भी एक रोड जा रहा है और ये आप एक मंज़र देख रहे हैं मस्जिद जिन। बस ये इतनी सी एक मस्जिद है। ये आप देख रहे हैं मस्जिद जिन। मस्जिद जिन का बैरूनी एक मंज़र है। ये एक मीनार है इसका, ये इस मस्जिद का मीनार है मस्जिद जिन का। और ये देख रहे हैं आप, ये है मस्जिद जिन और ये बिल्कुल जो है ये गज़ा वाली साइड है और रोड से पार आपको ये दीवार ऐसे नज़र आएगी, बिल्कुल पेंटिंग की हुई है। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पेंटिंग की हुई है और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हकीकत में है, एकदम 3D का लुक बनाया है लोग ने। और ये कुछ खिड़कियां दरवाजे ऐसा बाहर भी निकले हुए हैं और बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त ये सीन बनाया गया है इस इलाके का। और ये मस्जिद जिन के बिल्कुल सामने है रोड के इस तरफ जो है मस्जिद जिन है और रोड से पार ही आपको ये दीवार नज़र आएगी। आप इस तरफ देखेंगे तो वो सामने जो है मक्का टावर जो है क्लॉक टावर उससे बहुत ही करीब है, कोई 1 किलोमीटर से भी कम का फासला है। और इस तरफ आओगे तो ये बीच में ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करोगे तो आगे ये मस्जिद जिन है। ये एक ब्रिज है जो रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। ये देख रहे हैं आप,
ये रोड क्रॉस करने वाला एक ब्रिज है जो रोड से उस पार ले जाएगा आपको, और ये बिल्कुल रोड के किनारे ही मस्जिद है जिन वाक़ है, देख रहे हैं आप। और यह देखेंगे आप, ये इसका एक प्यारा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, मस्जिद है जिन, देख रहे हैं आप ये। और यहाँ मेन गेट है मस्जिद का। अब मस्जिद असर की नमाज़ के बाद जो है बंद की जा रही है, मगरिब के टाइम दोबारा खुलेगी। एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबी से फरमाया कि आज रात मैं एक जिनों के ग्रोह से मुलाकात करूँगा, तो एक साहबी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उस साहबी का नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। आप जब इस मुकाम तक पहुँचने वाले थे जहाँ पर ये मस्जिद जिन वाक़ है, पीछे मेरा आपको नज़र आ रही है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक लकीर लगाई और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप इस लकीर से आगे मत आइएगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद जिन की मकाम पर आए और यहाँ आकर आप कुरान शरीफ़ की तलावत करने लगे, तो जिनों का ग्रोह आया आपके पास और वो कुरान मजीद सुनने लगा। तो उस रात तकरीबन आपने चौथाई कुरान मजीद पढ़ा, तलावत की, और जिन्होंने सुना और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और वो मुसलमान हो गए। तो इस वाक़े के बाद ये मस्जिद जिन, इस मस्जिद का नाम जो है वो मस्जिद जिन रखा हुआ है, और ये जगह आज भी इस मस्जिद जिन की वजह से मशहूर है। ये आपको मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, इसके पीछे जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, इनके पीछे जन्नतुल मौला है, एक तारीखी कब्रिस्तान। और ये आप देख रहे हैं सीढ़ी ऊपर जाने के लिए है, और साथ ही में जो है वज़ू करने की जगह है। और इस मस्जिद से आप जब हरम की तरफ जाएंगे तो सिर्फ 2 मिनट पैदल चलेंगे तो इस रोड के दोनों तरफ मस्जिदें हैं, वो भी तारीखी मस्जिदें हैं।